नकली मिल रहे हैं मादाम, बात कर रहे तू भी छोड़े। चलो बताओ। हाँ तो ना वो पंचम, तो मैंने ना उसे डांट दिया। अब ऐसा डांटा है कि वो मतलब मेरे अंदर जो है कीड़ा है वो मुझे खा जा रहा है यार, बुरी तरह से खा जा रहा है छोटे। अरे सेठ जी, अरे वो कीड़ा ना है, ऐसी करो सेठ जी, वो कीड़ा ना है, वो क्या है तुम्हारी अच्छाई है, भले आदमी हो ना तुम, अच्छाई है, ऐसा मत सोचो कीड़ा है। ये बताओ बात क्या है? अरे कुछ ना, बात ये हुई कि मेरे ना गल्ले में से 10 रुपए गायब थे। अब तू समझ रहे हैं ना, मतलब अब क्या होगा, दो ही लोग आ रहे हैं दुकान पे, मैं आ रहा हूँ और वो आ रहे हैं पंचम, तो मुझे शक हुआ। मैंने कहा यार यही कुछ चक्कर है, मतलब इसी ने लिए होंगे। तो मैंने उससे कहा देख मुझे तुझ पर शक है, तू अपने जो है कपड़े उतार, मुझे तलाशी लेनी है। और मैंने उसके सारे कपड़े उतरवा दिए, सारे उतरवा दिए। तुम सेठ जी कैसे आदमी हो तुम, 10 रुपए के लिए तुमने लड़के की तलाशी ले ली, कपड़े उतरवा दिए जी, कैसी अश्लील तलाशी है, हद हो गई सेठ जी, हैं फालतू की बातें। यार दिए बता कैसा है भैया, ठीक ठाक? एक। अरे वाह छटंकी भैया, इस तख्ती में कम से कम 2-4 भगवान की फोटो लगा लेते और ज्यादा पैसे कमा लेते। ओ छोटे, लॉटरी बोलते हैं इसको, समझ गए? तेरी समझ में नहीं आएगा बेटे, बेवकूफ आदमी तू। अबे तेरी लॉटरी तो पहले ही लगी हुई है। अबे शाह तो अपनी जीजी के घर पर पड़ा रहता है, बात कर रहा है। ओ जीजा, तुम तो उन इंसानों में से हो कि तुम्हारे पास ना साक्षात लक्ष्मी भी आ जाएगी ना, तो वो दर्शन लेने के लिए पैसे ले लोगे तुम उनसे। बातें कर रहे हैं यार, ले लो टिकट, ले लो भाई। अरे मुझे ही लूटने आ गया तू है दीमक, अपनी बहन का घर तो छोड़ दे। अरे सेठ जी तुम भले ना लो, पर मेरा इन पे विश्वास है। छटंकी भैया मुझे टिकट दे दो, हो सकता है मेरी लॉटरी लग जाए। अरे छोटे यार ये हुई ना बात यार, कमाल किया, बड़ा इज्जत करते हैं हम तुम्हारी। ले भैया 50 रुपए दे दे भैया। सेठ जी अगर मेरी लॉटरी लग गई तो मैं पार्टी दे दूंगा, फिलहाल 50 रुपए दे दूं। अरे मेरे पास आया। अरे तुम, अरे तू समझ तो, अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो, तू 50 रुपए लेकर दे रहा है उसे। सेठ जी शर्म करो, इलायची आती है दुकान पे कितनी बार पैसे मांगने, मैंने 200-200 रुपए निकाल के दिए अपनी जेब से और तुमने दिए वापस नहीं आज तक। अबे ठीक है चल। छोटे एक बात कहना चाह रहे हैं, अगर तुम्हारा टिकट लग जाए इनको तो तुम बुलाओगे पार्टी में, हमें भी बुला लिए, समझ गए? बुला लूंगा यार, गिर जाऊंगा मैं। अरे यार तुम तो नाराज हो जाते हो छोटी छोटी बातों पे। मैं कह रहा हूँ तुमसे ले लो टिकट यार, तुमसे बहुत प्यार करते हैं यार, जी जाओ हमारे। तू जाएगा ना जाएगा, बेकार में दिमाग काट रहा है अंकल, ओके मुंह पे चढ़ते रहिए, चढ़ते रहिए, लेकर देखिए यार लॉटरी, समझ में ना आए फायदे की बात, कोई बात नहीं छोटे, मुंह मत दिखाओ इनको, समझा भाई इसको। हां ठीक है ठीक है, फालतू आदमी। अरे यार जीजाजी आप इस बात को दिल पे लगा के बैठ गए, अब ना एक ही चीज सही कर सकती है, मतलब हर गम की दवा एक घूट और सारा गुस्सा ठंडा, एकदम सेट हो जाओगे। इलायची जी कैसी बातें कर रही हैं आप, हम सुबह सुबह नहीं पीते है? अब लस्सी पीने का कौन सा मुहूर्त निकलने लगा यार, चीजें लाइफ में टंटे हो रखे हैं आपकी। लस्सी? आप अपने पिताजी का गुस्सा हमें लस्सी पिला के शांत करना चाहती हैं? जीजा जी यार समझने की कोशिश कीजिए, जो पापा है ना उनके अंदर ना ब्रेक का इश्यू है, जैसे गुस्सा आता है ना दिमाग के ब्रेक फेल हो जाते हैं, कहीं का गुस्सा कहीं पे उतार देते हैं, लेकिन बाद में ना सच्ची में बड़ा खराब लगता है, सच्ची बता रही हूँ मैं। हम जो काम करते हैं अच्छे तरीके से करते हैं, हमने कभी किसी के साथ बुरा ना किया, आ जाएंगे। एक तो धंधा ना हो रहा है, ऊपर से परेशान कर रहा है हमें। मामा एक गले में क्या लटका के टहल रहे हो यार? अरे क्या बताएं इलायची बेटा, अब चोरी चकारी तो खत्म हो गई है भैया, अब कोई ना कोई धंधा तो करना पड़ेगा, तो शुरू कर दिया है, दुआएं करियो हमारे लिए बस। अरे वाह यार मामा, मतलब अच्छी बात है। वैसे लॉटरी का धंधा या नया लूटने का धंधा? मेरा मतलब है कि यार मतलब आप इतने टैलेंटेड हो तो कुछ भी कर सकते हो, यू नो। हाँ खैर उसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसके अंदर कोई धांधली नहीं हो सकती, इसमें सिर्फ किस्मत चलती है, निकल गया तो निकल गया वरना पोपो। अब जीजा जी आपने लेनी है लॉटरी की टिकट? नहीं लाइसी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी किस्मत की लगी पड़ी है, लॉटरी लगेगी जरूर। अरे मैं हूं ना आपके लिए। हैं जी?
मेरा मतलब है कि मैं हूं ना आपकी हेल्प करने के लिए। सब लोग कहते हैं मैं बहुत लकी हूं, हूं ना? अरे कैसी बात करती, बहुत लकी है तू भाई। तो बस क्या पता आपकी लॉटरी भी लग जाए मेरे लक से। बिल्कुल नहीं लैची जी, देखिए आधे से ज्यादा तनख्वाह वैसे ही सेठ जी ने खा लिया, मतलब काट लिया, और लॉटरी के लिए पैसे हम कहां से ले आए अब? बस इतनी सी बात, मतलब प्लीज जीजा जी, ये भी कोई प्रॉब्लम है क्या? रुको लैची जी, आप क्या कर रही? लैची जी आप क्या कर रही? चुप करो यार जीजा जी, लॉटरी का टिकट दो एक। नहीं नहीं मामा जी, नहीं चाहिए हमें, आप जाइए ना जल्दी लो। अरे आप जाइए यार, कोई बात नहीं बेटा। अरे 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 एक बदतमीज। अरे मामा जी आप क्या कर रहे हैं यार? अभी ले भैया ये तुम्हारे लिए। मामा जी आप क्या अपने घर वालों का ही बना रहे? एकदम कड़क लो। हाँ बहुत ही बढ़िया। लेकिन इलायची बेटा एक बात याद रखना, अगर तुम्हारी लॉटरी लग जाए तो अपने मामा को छोटी मोटी पार्टी दे देना, और थोड़ा हमारा भी ख्याल रखियो तुम। बिल्कुल, मम्मी बुला रही, जरा जल्दी से जाओ ना अंदर। बहुत प्यार करती है मुझसे, कुछ खाना वाना बनाया होगा अच्छा मेरे लिए। अच्छा चलते हैं, नीचे माँ जी जी। अरे अरे यार आप भी ना हद करें, क्या अभी आ रहे? रुको। अरे यार ये सब चीजें क्या है यार, लॉटरी आप भी ले। अभी लॉटरी का टिकट संभाल के रखेगा और पक्का आपकी लगेगी लॉटरी। सुन तूने ये टिकट तो ले लिया, लेकिन अपनी फूटी किस्मत को कहाँ लेके जाएगा भाई, जे ना लगने वाली। साला कभी कभी तो मुझे लगता ना तेरे से दोस्ती करके राहु के तू भी मेरे दोस्त हो रखे हैं। भाई जब तू मुंह खोलेगा ना सिर्फ बकवास ही करता है तू। भाई तू मुंह मत खोला कर, तेरे जैसा आदमी अगर बैंक चले जाए ना तेरे जैसे आदमी के साथ, तो भाई बैंक में पैसे खाली हो जाए। पनौती है तू, पनौती। मैं पनौती हूं? पनौती? अरे चाकू मार दूंगा बेटा, ये मत भूल तू घर की लक्ष्मी की बेइज्जती कर रहा, घर की लक्ष्मी की। साले अगर मैं चला गया ना तो समझ ले तेरी गृहस्थी उजड़ जाएगी, कुछ नहीं रहेगा तू। अबे तेरे जैसी लक्ष्मी अगर कार के नीचे आ जाए ना तो मजा आ जाए। ला टिकट ला इधर। लक्ष्मी लक्ष्मी के हाथ में ही अच्छी लगती है। अबे तू तो मत ही रख फिर। अरे गल्ला ले चल, गाना गा मेरे साथ। बार गंदा मत किया कर। अरे मनी छोड़, कितने लिखे इस पे? 2,00,000 रुपए यार, पढ़ना नहीं आता। ठीक है यार चल तू बजा। अरे तेरे ससुरी ना लगेंगे, रियाज तो करता नहीं तू। अबे चल। अरे अरे बैठी जीजा जी छत पर है? नहीं लैची जी, जीजा जी क्या है ना कि पेरिस में है, कल शाम को 7 बजे रॉकेट से कोची में लैंड कर रहे हैं। बूम। सीरियसली जीजा जी, मतलब लाखों की लॉटरी लेके घर में बैठे हैं तब भी थोड़ा सा खुश नहीं हो सकते? मतलब थोड़ा सा तो खुश हो जाओ। सुनीता जी इधर देखना। हाँ जी। हम जो कह रहे हैं कि 2,00,000 में जीरो कितने होते हैं? हाय पिंडा, 2,00,000 मैंने तो ना कभी नहीं देखे इतने पैसे इकट्ठे। मेरी उंगलियां जो 10 है ना उससे तो ज्यादा ही होते होंगे, है ना? है ना? पिंडा अभी सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। वैसे जी जी एक बात बताइए, जब आपकी लाखों की लॉटरी लग जाएगी तो आप क्या करेंगे? पागल हो जाएगा, छत से कूद जाएगा। मतलब बबू जरा कंट्रोल करो, वो क्या ना कि हमारी लॉटरी अभी लगी नहीं है, और इलायची जी वो क्या ना कि हम इतनी आगे का सोचते नहीं है, जब ऐसा होगा, जब लॉटरी लगेगी, जब ऐसा कुछ भी होगा हम तब का तब देखेंगे। अबे ज्यादा संत क्यों बन रहा है, पैसे मिलते ही मुंबई निकलेगा, टिकट कटा के वहां जाके अपना म्यूजिक एल्बम निकालेगा। मेरा मतलब बुबू को ना संगीत से बहुत प्यार है, तो वो ऐसा ही कुछ करेंगे, अपना म्यूजिक एल्बम निकालेंगे, म्यूजिक डायरेक्टर बनेंगे, गाने निकालेंगे। हाँ पिंटू भाभी, मतलब जीजा जी के साथ आप भी चले जाओगे मुंबई? ना ना मैं ना जाऊंगी, मुझे संगीत से इतना प्यार नहीं है जितना कि इनका मतलब ये है कि जितना कि इन्हें हमसे प्यार है। वो क्या है ना कि जहाँ हम जाएंगे ये भी वहीं जाएंगे ना बुबू। क्यों बुबू? हाँ, क्या आप मुझे छोड़ के चले जाएंगे जी? मतलब ये चांदनी चौक को छोड़ के चले जाएंगे?
इलायची जी आप भी ना खामखा कहां की बात कहां से जोड़ रही हैं। अभी तो लॉटरी की टिकट खरीदी है, कौन सा नतीजा आ गया है वो तो कुछ भी बोलता रहता बोलती रहती है पुपू। नतीजा चाहे कुछ भी हो, आप ये बरसाती और हमारी दुकान छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, ये मैंने कह दिया है। नहीं नहीं वो क्या ना इलायची जी, हमारा तो बचपन से यही लक्ष्य था कि हम लहंगे बेचें और इस किराए की बरसाती पर रहें, इस आलीशान जिंदगी को महसूस करें, जिएं। बहुत अच्छी जिंदगी है ये, हम ये क्यों छोड़ के जाना चाहेंगे, है ना इलायची जी। तो चल, नहीं तो चल यहां से सुन्नू, ये ना खट्टी दही हो रखे हैं जिसकी सिर्फ खट्टी कड़ी बन सकती है, मीठी लस्सी तो एक्सपेक्ट करनी नहीं चाहिए। नहीं तो क्या बोल रही है, मीठी दही, खट्टी दही, कड़ी लस्सी, क्या बोल रही हैं आप इलायची जी। ओफो यार जीजा जी, प्यार में ना इंसान कुछ भी बुला सकता है। हैं जी? मेरा मतलब है प्यार से ना इंसान कुछ भी बुला सकता है, फिर चाहे वो खट्टी दही हो या मीठी लस्सी। मैं तो रहने देना, चुप कर, लाइफ में टंटे हो रखे हैं इनकी इनकी इनकी। चलो हानी तो चलो चलो चलो, आप भी जा रहे हैं? हाँ, लाइफ में टंटे हो रखे इनकी 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 इनकी। अरे यार तू चुप रह यार, अच्छी खासी बैठी थी पड़ोस में, चली गई सुनीता जी, तू जरा सी बात ना होने देता यार। मैं समझ ना पा रहा हूँ क्या कहना चाह रहे हैं, मेरी कुछ समझ में आ रही है? अरे सेठ जी, आज मैंने जो टिकट लिया था ना, वो कल लॉटरी का नतीजा आ जाने वाला है। अच्छा? देख ले नतीजा आने वाला है। और कितनी देर लगेगी छटंकी भैया नतीजा आने में? बस जीजी थोड़ी देर लगेगी। लो देर से याद आया जीजी, आज नाश्ता जरा हमने थोड़ी देर में किया था, कुछ हलवा वगैरह हो हमारे लिए तो अपने भैया के लिए ले आओ। हाँ हलवा बनाऊंगी छटंकी भैया, पहले तुम्हारा लॉटरी तो जीत जाओ तुम, उसके बाद में देखती हूँ कि तुम्हारे जीजे तुम्हें पनौती कैसे बुलाते। आज की कुछ भी हो सकता है लॉटरी का नतीजा इस प्रकार है, नंबर मिलाने से पहले जान ले, अगर आपका नंबर नहीं निकला तो आपकी किस्मत फूटी है, आप धरती पर बोझ हैं, आप अपनी किस्मत काली स्याही से लिखवा कर लाए हैं, लॉटरी वालों को कोसने की जरूरत नहीं है। तो नंबर इस प्रकार है, देखना, 5 5 9 9 भी है, ये भी है, 8 और ये भी है, ये भी है, 0 0 अरे मर गया भैया, ये भी है, 1 8 8 बस एक जी, लास्ट वाला 7 नंबर लग जाए मेरी लॉटरी हो गई। और आखिरी नंबर है, हाँ, 9 झूठ बोल रहे हैं, साजिश कर रहे हैं ये लॉटरी वाले, कीड़े पड़ेंगे इनको बता रहे हैं, वो कीड़े पड़ेंगे। लग गई छोटे, अरे क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और इलायची कैसी है? यार एक बात है छोटे, लॉटरी तो ना लगी लेकिन इस चक्कर में तूने मुझे अच्छा चटकाया आज। जीजा जी, जी इलायची जी, क्या है? ऊपर आओ। अरे आओ जी। जीजा जी, आज तक की लॉटरी का रिजल्ट आने वाला है। अरे क्या लॉटरी इलायची जी, आपको हमारी किस्मत के बारे में नहीं पता क्या? कोई लॉटरी वॉटरी नहीं लग रही, अभी हम ना रहे। ओफो जीजा जी, मतलब बी पॉजिटिव, कभी तो अच्छा सोचो ना अपने बारे में। वैसे सच्ची बताऊं ना तो मैं भी बड़ी नर्वस हूँ, इतनी नर्वस ना मैं कभी मतलब अपने रिजल्ट तक के लिए नहीं हुई जितना आपके रिजल्ट के लिए हो रही हूँ। इलायची जी आपके केस में ना चिंतित होने की जरूरत भी नहीं है, वो क्या ना कि आप एक ही कक्षा में पिछले 4 साल से हैं। ज्यादा ही सड़ू नहीं हो रहे आप जीजा जी, प्लीज। रघुनंदन फूले ना समाए, लॉटरी लग गई, लग गई भैया, लग गई, हां लग गई, लग गई, बाहर निकल, लग गई, लग गई यार। अबे क्या कर रहे है? अब लग गई यार अपनी, लग गई क्या? लॉटरी लग गई अपनी, लॉटरी लग गई, जल्दी बाहर निकल भाई। अबे फालतू मजाक मत कर वरना मुक्का मार के मुंह तोड़ दूंगा। अब हमारा मतलब ये बुबू, क्या बोल रही है बुबू, क्या बोल रही हो?
गुगू मजाक नहीं कर रही, मैं सच बोल रही हूँ, अपनी ना लॉटरी लग गई है और हम लोगों को ढेर सारा पैसा मिलेगा, कुल इतना सा, हम लोग लखपति बन गए। क्या बात कर रहे हैं? हाँ। क्या बात कर रही हूँ, एक सेकंड, जल्दी बाहर आओ, गुसल खाने से बाहर निकलो। एक सेकंड, दिखाओ दिखाओ, ये देखो अपना ही वाला नंबर है, यही तो लेके आए थे, यही नंबर लगा है। लॉटरी लग गई इलायची जी, इलायची जी हमारी लॉटरी लग गई इलायची जी। ओ पिंटू, यस यस इलायची जी, इलायची जी क्या बात है, लग गई। आपको भी मिलेंगे 2%। कोई इलायची बेटा, एक बात पूछना चाह रहे हैं तुमसे हम। मामा हम लगते हैं तुम्हारे और लखपति तुम इन्हें बना रही हो। आज के बाद हमारा लॉटरी का टिकट तुम खरीदोगे, समझ गई? जी जी बिल्कुल, मैं ही खरीदूंगी, लेकिन वो पापा क्या कह रहे थे ना कि आप बड़ी पनौती हैं, तो लॉटरी लगना फिर। अच्छा, वो लीचड़ आदमी, वो लीचड़ आदमी की बात कर रही है? हम उसको दो कौड़े का मानते हैं, बोलो। मामा पापा है मेरे। पापा ना है तुम्हारे, वो ना पोपा है, पोपा। अरे... बात कर रही हो, मम्मी बुला रही, जाओ। ओ हट भाई, हटो, उधर ना, आओ ना, अरे उधर नाचे यार। अरे मामू, अरे ना मानोगे ना तुम, ना मानोगे, मामू से बदतमीजी करता है यार, हटो यार, जबरदस्ती की, पागल आदमी। लहसी जी, टोटल 10,000। प्रणाम सेठ। क्या सुबह सुबह ये लैग है के साथ कुश्ती खेल ले आए? मुक्ता जी से लाया 2,500 रुपए। आप जी सेठ जी, बताना भूल गए थे, ये उन्होंने, गुप्ता जी ने 2,000 रुपए दिए और 500 रुपए उन्होंने बोला था कि बाद में देंगे। अच्छा, और तू लौट आया? जी। चल ठीक है, अब महीने की तनख्वाह पे मैं भी तुझे 1,500 रुपए दूंगा, 500 रुपए बाद में ले लियो। सेठ जी इसमें हमारी क्या गलती है? ना ना, गलती तो मेरी है जो मैंने सोचा ऐसे ढीले आदमी को अपनी दुकान पे काम पे रखा है। सुन, गल्ले में 50 रुपए कम है। क्या 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 कर रहा है तू? क्या कर रहा है ये? क्या कर रहा है ये? नहीं सेठ जी, वो दरअसल क्या है ना कि इससे पहले कि आप हम पर शक करें और आप हमें हमारे कपड़े उतारने पे मजबूर करें, तो हमने सोचा कि हम ये खुद ही कर देते हैं, वैसे भी आपका वक्त जाया होगा नहीं तो। बहुत होशियार बन गया तू, मैंने तो सका कि तूने पैसे निकाले। नहीं सेठ जी, वो क्या है ना कि दुकान पे सिर्फ दो ही लोग काम करते हैं, एक है आप और दूसरे हैं हम। आप अपने ही दुकान से, अपने गल्ले से तो पैसे चुराएंगे नहीं, तो बचे हम, तो इसका मतलब क्या है कि पैसे हम नहीं चुराए होंगे ना। सुन मध्यम। सेठ जी पंचम। हाँ पंचम, मैं एक बार बताऊं, हद से आगे बढ़ रहा है, बहुत उस्ताद बनने की कोशिश मत कर तू। सेठ जी हद आप पार कर रहे हैं, बिना मतलब के किसी भी समय आप हमारी पगार काट लेते हैं, कभी भी आप हमें कपड़े निकालने को कह देते हैं। सेठ जी हमारी भी कोई इज्जत है। तो कौन सी तेरी इज्जत का फालूदा बना के मैं टकार ले रहा हूं?
कुछ कहा सुना हो भी गया तो क्या हुआ? कौन सा मैं तुझे नौकरी से निकाल लिया हूँ? वो तो इसलिए सेठ जी क्योंकि आपको हमसे बेहतर कोई इंसान मिला ही नहीं 2000 रुपए में काम करने के लिए। और बुरा मत मानिएगा सेठ जी, आप तो अपनी परछाई के भी सगे नहीं हो। बदतमीजी पे उतर आया, संस्कारी बनता था बहुत, मेरे पैरों में पड़ा रहता था सेठ जी करके। अरे तुझ जैसे ढीले आदमी को तो मैं अपने दुकान के लहंगे भी ना छूने दूं। अगर इतनी बात है ना तो जा, तुझे निकाल ले नौकरी से, जा। अच्छा सेठ जी, आप क्या हमें हमारी नौकरी से निकालेंगे? हम खुद आपकी नौकरी छोड़ते हैं। क्या हुआ, झटका लगा क्या सेठ जी? आप क्या सोच रहे थे कि बेचारा पंचम आएगा, आपके पैरों में गिड़गिड़ाएगा, सेठ जी हमें माफ कर दीजिए, हमें प्लीज नौकरी में रख लीजिए, आप यही सोच रहे थे ना सेठ जी? सुबह सुबह चढ़ा रखी है तूने, नशे में है क्या तू? जी सेठ जी, हमें नशा चढ़ा है, ये जिल्लत भरे काम से आजादी का नशा। और आपको जान के काफी खुशी होगी कि हमारी लॉटरी लग गई है, हमें अब इस काम की कोई जरूरत नहीं है सेठ जी। क्या हुआ, भौचक्के रह गए ना आप? ऐसे होता है सेठ जी, संभालिए आप अपना धंधा, जय राम जी की। सॉरी सेठ जी। अबे जा, तुम जैसे ना जाने कितने आएंगे यहाँ पे, समझ रहे हैं आपने आपको बहुत। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।